An open U-tube contains mercury. When 13.6 cm of water is poured into one of the arms of the tube, then mercury rises in the other arm from its initial level is. तो हमको क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ना यहाँ पे ये मरकरी था, ये जो लाइट कलर से शेड है ये मरकरी इसमें था पहले. फिर उसके बाद आप क्या करते हो, व्हेन 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड, फिर इसके ऊपर एक साइड से वाटर डाल देते हो. तो मरकरी पहले इस लेवल पे था, जब आप यहाँ पे वाटर डालोगे तो वाटर क्या करेगा, मरकरी को पुश करेगा नीचे. तो अब मरकरी यहाँ पे आ गया है और यहाँ से कुछ ऊपर हो जाएगा. तो ये मरकरी का इनिशियल लेवल था, तो मरकरी अपने इनिशियल लेवल से कुछ नीचे आ गया है. ठीक है, मरकरी अपने कुछ इनिशियल लेवल से नीचे आ गया है और यहाँ पे उसी इनिशियल लेवल से कुछ ऊपर चला गया. जितना नीचे आएगा यहाँ पे उतना ही ऊपर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से H नीचे आ गया और H ऊपर चला गया अपने इनिशियल लेवल से, और ये आपके पास वाटर कॉलम है. तो क्वेश्चन बोल रहा है, देन मरकरी राइज इन द अदर आर्म फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल इज. तो अदर आर्म में इनिशियल लेवल से मरकरी का कितना राइज हुआ, यानी कि ये एच कितना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमको. अब देखो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये इंटरफेस वाला पॉइंट जिसमें वाटर और मरकरी इंटरफेस है, और एक ये वाला बी वाला पॉइंट. ठीक है, तो ए और बी सेम लेवल पे हैं, तो इन पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा. बी पे जो प्रेशर आएगा वो इस लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से आएगा. ठीक है, ये टोटल हाइट कितनी होगी, क्योंकि ये भी एच है तो ये भी एच होगा, और ये तो एच है ही है, तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टू एच हो जाएगी, है ना. और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर पूरा वाटर है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी. तो ए पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, इस पूरे कॉलम के प्रेशर के बराबर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी. एच रो जी, एच मतलब इस लिक्विड कॉलम की हाइट 13.6 सेंटीमीटर. ठीक है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होती है, जी की जगह जी लिख दिया. इधर आएंगे तो ये 2h है टोटल हाइट, 2h रो 13.6 रो हो गया, अपना जो यहाँ पे मरकरी है उसका रो हो गया, जी जी से जी कैंसिल हो गया, 13.6 से 13.6 कैंसिल हो गया. इधर भी पी नॉट आएगा, पी नॉट से पी नॉट भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, राइट. तो पी नॉट को हटा दूँ मैं क्योंकि कैंसिल हो गया. तो बचेगा क्या हमारे पास, 2h बराबर 1 बचेगा, h बराबर 0.5. तो मरकरी अपने इनिशियल लेवल से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा.